जब तुम अपने आप को पूरा डिवोट करोगे ना एंड क्वेश्चंस पे एक्सेप्टेड ग्रीन कलर आने लगेगा तो उसकी अलग ही फील होती है। तुम टॉपिक्स तो साथ साथ में करते रहोगे लेकिन प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें उस लेटर के टॉप पर पहुंचाएगी। गूगल है ना, वो कई बार अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाती, तो क्या करती है, रिज्यूमे चेक करती है और जो 5 स्टार बॉर्डर होते हैं ना उनको सीधा ले लेती है। Myself Vishesh, I'm going to join Flipkart as an SD intern in the coming summer and I'm a pre-final year computer science undergraduate at IIT Dhanbad. So guys, in this video we will see how to become a 5-star coder at CodeChef. So we will see what all topics we need to cover, like arrays and all advanced topics. We will see what all those that we need to cover, and we will see how much time it will require and how we should practice contests. So we will see all this, so watch till the end. So guys, very first thing you need to do to become 5-star coder is knowing the basics of programming. So तुम्हें एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, सी, सी प्लस प्लस या जावा में। मैं सी प्लस प्लस प्रेफर करूँगा क्योंकि ये फास्टेस्ट है एंड इसमें जो HTML मिलती है ना हमें, उससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है जब हमें डायरेक्टली डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ते हैं। यदि मैं सी प्लस प्लस को जावा और पाइथन से कंपेयर करूँ ना, तो सी प्लस प्लस सबसे पहले आती है फास्टेस्ट में एंड फिर देन जावा आती है एंड फिर देन पाइथन आती है। सो सी प्लस प्लस की ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। सी प्लस प्लस में ना एक टेम्पलेट्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, तुम्हें यदि कोई फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स भेजने हैं बेसिकली, तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तुम एक टेम्पलेट बना सकते हो और उसमें किसी भी डाटा टाइप का पैरामीटर भेज सकते हो। सो मैं सी प्लस प्लस प्रेफर करूंगा यदि तुम 5-स्टार कोडर बनना चाहते हो CodeChef पे। एंड यू कैन लर्न सी प्लस प्लस फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज और यू कैन लुक एट द बेसिकली कोडिंग निंजास कोर्स एज वेल, दैट इज वेरी वेल स्ट्रक्चर। सो यू विल दैट विल कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग देयर। तुमने ये जब बेसिक्स कर लिए तो तुम कॉन्टेस्ट देना शुरू कर सकते हो CodeChef पे। ये ऑब्वियस है कि तुम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने अभी टॉपिक्स तो पढ़े नहीं है, जो कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं वो तुमने नहीं कवर करे। बट अभी तुम कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। आई हैव रिटन सम टॉपिक्स लाइक बेसिक एंड एडवांस, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ तो उसमें जो बेसिक सिंपल आते हैं, लूप्स, रिकर्शन, एरेस एंड HTML बहुत इंपॉर्टेंट है यदि तुम सी प्लस प्लस में कर रहे हो, और हीप्स हुआ, हैशिंग हुआ, ग्रीडी टेक्निक्स एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आपको भी पता है कि काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है वो कॉन्टेस्ट में। एंड देन फिर ग्राफ्स की प्रॉब्लम्स, ग्राफ्स और ट्रीज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेस्ट के लिए। एंड नंबर थ्योरी बेसिक्स, ये सब बेसिक में हो जाता है जब तुमने देखो। ये बात है कि ये टॉपिक्स ऐसा तो है नहीं एक मंथ में हो जाएंगे या फिर 15 दिन में हो जाएंगे, इन ये टाइम के साथ आएंगे। तुम्हें आराम से करना होगा, तुम्हें हर टॉपिक को सीखना होगा एंड देन फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। तुम CP एल्गोरिथम से टॉपिक का ट्यूटोरियल पढ़ सकते हो एंड हैकर से उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड एडवांस टॉपिक की यदि मैं बात करूँ तो उसमें नंबर थ्योरी काफ़ी यूज़ होता है ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में। नंबर थ्योरी का एडवांस नंबर थ्योरी होती है, जो उसमें काफ़ी एल्गोरिथम्स आती हैं वो वाली देख लेना, जैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये भी सारा इंप्लीमेंट करना होता है। एंड DP ऑन ट्रीज, ये काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, सो ट्रीज का क्वेश्चन भी कवर हो जाता है और DP भी लग जाती है उसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं बात करूँ रेंज क्वेरीज की, तुम्हें बोल देते हैं कि L2R दो नंबर दिए हैं और इसमें से फाइंड करो कि मैक्सिमम किस में होगा, ठीक है। तो वो रेंज क्वेरीज के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सेगमेंट ट्रीज और फेनविक ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये एडवांस टॉपिक्स हैं तुम्हें जो कवर करने होंगे। एंड कुछ होते हैं SOSTP, ये थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है किसी भी कॉन्टेस्ट का। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें कवर करने होंगे। एंड इनको कवर कैसे करोगे, देखो जो बेसिक टॉपिक हैं वो तो हो जाएंगे, लेकिन एडवांस टॉपिक्स के लिए तुम्हें या तो फिर ट्यूटोरियल्स पढ़ने होंगे या फिर तुम कोई भी कोर्स ले सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। वो ऑब्वियस है इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेगा एंड साथ में तुम्हें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देगा। सो कोडिंग निंजा का भी कोर्स है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एंड कुछ और भी हैं, तुम किसी को भी ले सकते हो और इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम एक मंथ में 5-स्टार बन जाओगे या फिर 2 मंथ में, ये टाइम लेगा, आराम से तुम्हें करना होगा, आराम से आई थिंक 6-7 मंथ्स तो मिनिमम में लग जाते हैं।
यदि तुम एक डिसेंट लेवल के कोडर हो। सो गाइस, तुम टॉपिक्स तो साथ साथ में करते रहोगे, लेकिन प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें उस लेटर के टॉप पर पहुंचाएगी। सो गिव एज मैनी कॉन्टेस्ट एज पॉसिबल। जब तुम अपने आप को पूरा डिवोट करोगे ना एंड क्वेश्चंस पे एक्सेप्टेड ग्रीन कलर आने लगेगा तो उसकी अलग ही फील होती है। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो गाइस, टोटल प्रैक्टिस करो, बस लग जाओ। एंड एक बात का ध्यान रखना, कॉन्टेस्ट में क्या होता है ना, हम सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं कर पाते। एंड जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस मतलब ट्राई कर रहे होते हैं कॉन्टेस्ट में और वो भी नहीं हो पाता, तो उसको बाद में जरूर एक बार देखो, उसका सॉल्यूशन देखो, उसका एडिटोरियल देखो। और यदि मैं कोड शेफ की बात करूँ तो इसके सॉल्यूशन ना यूट्यूब पर आ जाते हैं, तो तुम वहाँ से भी अप्रोच सीख सकते हो कि इसको कैसे करना था। ऐसा करने से ही तुम अपनी बेसिकली प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। सो इसे अप सॉल्विंग बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है यदि तुम्हें एक्सेल करना है। ऐसा नहीं है, यदि कॉन्टेस्ट में मान लो चार क्वेश्चन आ रहे हैं, तुमने दो कर दिए, तुम्हें दो आते थे, तुमने दो कर दिए, तो उसका तुमने सीखा क्या? जो आता ही था वही तो कर रहे हैं। अब जब तुम थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, वो तुमसे नहीं हो रहा, जब तुम उसे अपसोल्व करोगे तभी तो कुछ नया सीखोगे। सो गाइस, इस तरह से तुम्हें नया सीखना होगा। एंड अपना जो कोड लिख रहे हो ना, उसको एक बार रिव्यू कर लेना, वहाँ पर जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे सीखो एंड देन बाउंस बैक करो। सो गाइस, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल टेक यू टू द टॉप ऑफ दिस लैडर। सो प्रैक्टिस करो अच्छे से, सभी प्लेटफॉर्म पर करो, जरूरी नहीं है अकेला कोड शेफ भी कर। नाउ तुम्हारा एक पीयर ग्रुप होना चाहिए गाइस। पीयर ग्रुप क्यों होना चाहिए? देखो, उसमें सिमिलर गोल्स वाले बंदे होते हैं, जैसे तुम्हें 5 स्टार कोडर बनना है, उनको भी सीपी करनी होती है, तो वो भी जो क्वेश्चंस तुम ट्राई कर रहे हो वो भी कर रहे हैं। सपोज तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ और उनसे हो गया, तो एक तो आइडिया कि तुम सोल्यूशन देख लो, तो सोल्यूशन देख के तुम्हें सोल्यूशन तो समझ आ जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो हिडन कॉन्सेप्ट है, जो क्रक्स है उस क्वेश्चन का, वो समझ नहीं आएगा। वो वही समझा पाएगा जिसने उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करा है। तो तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको अच्छे से बता पाएंगे कि क्या ऐसा हिंट छुपा इस क्वेश्चन में कि मुझे ये वाला थॉट आया। सो पीयर ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। एंड एक और बात, जब पीयर ग्रुप होते हैं ना, तुम्हारे आसपास तुम्हारे फ्रेंड्स सेम चीज़ कर रहे होते हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग बनी रहती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने इतना कर लिया तो तुम्हें भी करना चाहिए, तो बेसिकली तुम अपने आप को पुश करते हो नई चीज़ सीखने के लिए। सो पीयर ग्रुप का काफ़ी फायदा होता है। सो कॉम्पिटिटिवनेस फीलिंग जो तुम्हें बिल्ड करनी होगी वो पीयर ग्रुप से ही आएगी। सो अपने आसपास अच्छे बंदों को लाओ, ठीक है, एक अच्छा ग्रुप बनाओ एंड सॉल्यूशंस वगैरह एल्गोरिथम्स उनसे डिस्कस करो एंड होपफुली यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। गाइस, मैं अगर कोड शेफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर जो मेन कॉन्टेस्ट होते हैं ना, वो तीन होते हैं, एक तो लॉन्ग चैलेंज, एक कुक ऑफ एंड एक लंच टाइम होता है। और भी कॉन्टेस्ट होते हैं लेकिन ये तीन तो मेन ही हैं जो हर मंथ होते हैं। सो जो लॉन्ग चैलेंज होता है वो 10 डेज का होता है, उसका मेन मोटिव ये है कि प्रैक्टिस, तुम्हारे पास टाइम अनलिमिटेड है, तुम्हें बेसिकली उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। सो ये तुम्हें प्रिपेयर करते हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड जो कुक ऑफ और लंच टाइम होते हैं वो तुम्हें प्रिपेयर करते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं कंपनीज में। सो उसमें टाइम तो लिमिटेड होता है, तो तुम्हें फास्ट सोचना पड़ता है। सपोज तुम्हें किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है, लेकिन उसे फास्ट सोचना ना उन कॉन्टेस्ट से आएगा, तुम प्रेशर को ज़्यादा हैंडल कर पाओगे। सो कोड शेफ पे ये तीन मेन कॉन्टेस्ट होते हैं। एंड कोड शेफ वाले क्या करते हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये लोग ना अपने जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं उसके बाद सोल्यूशंस डाल देते हैं। एक तो तुम एडिटोरियल पढ़ सकते हो, लेकिन जब तुम किसी द्वारा सुनोगे ना उसने मतलब कैसे करा, तो तुम्हें बेटर समझ आएगा। सो उनका तुम यूट्यूब चैनल पर भी सोल्यूशंस को देख सकते हो। तो गाइज, हमने ये सब डिस्कस कर लिया, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे अपसोल्व करोगे, एंड कोड शेफ कौन कौन से कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? चलो तुम 5 स्टार कोडर बन गए, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? सो गाइज, पहली बात तो ये कुछ बड़ी कंपनीज के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसा होता है। जैसे गूगल है ना, वो कई बार अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाती, तो क्या करती है, रिज्यूमे चेक करती है और जो 5 स्टार कोडर होते हैं ना उनको सीधा ले लेती है। सो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, तुम्हारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना वो इम्प्रूव होती हैं इन जनरल। कोई भी ऐसा नहीं है तुम्हें कोडिंग प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो तुम उसका सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढोगे, बेसिकली तुम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढोगे उस चीज़ का। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी तुम कोडिंग राउंड देखते हो ना, वो तुम्हें लगता है कि यार सिंपल कोर्स वाला कॉन्टेस्ट ही तो है, कोई तुम्हें प्रेशर नहीं रहता, कि उनकी तुमने पहले से ही बहुत कॉन्टेस्ट दे रखे होते हैं। अब जैसे कंपनीज आती हैं तो वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, तो तुम बेसिकली उसको एक कॉन्टेस्ट ही मानते हो और अपना बेस्ट देते हो उसमें। सो इस तरह से तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट में भी हेल्प मिलती है। एंड यार मैं बता दूं कि टाइम की बात,
सो ऐसा नहीं है कि तुम एक दो मंथ में 5-star कोडर बन जाओगे, इट विल टेक टाइम। सो तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा एंड विल रखनी होगी कि हाँ यू विल बिकम। एंड यदि बताऊँ कोडशेफ पे 5-star बनना इज लिटल ईजियर देन एक्सपर्ट एट कोडफोर्सिस, ये बात है। क्योंकि ना कोडफोर्सिस पे काफ़ी, बेसिकली आई शुड से काफ़ी ना ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जिसको दिख जाता है तो वो कर जाता है। लेकिन कोडशेफ पे क्या होता है ना कि इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम लिटिल ईजियर है कोडशेफ पे 5-star बनना। सो गाइस प्रैक्टिस करो, होपफुली तुम 5-star कोडर बन जाओगे एंड अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट।